हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रेवल गीक्स एंड मैं आपका दोस्त सनी आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा प्लान है सूरजकुंड मेला का है। जी हाँ, ये 36 इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि लेक्स वुड सिटी फरीदाबाद में लगा हुआ है और ये स्टार्ट हुआ था 3 फरवरी को और 19 फरवरी इसका लास्ट है। बेसिकली फरवरी महीने में लगता है हर साल। इस बार बेसिकली काफ़ी बड़ा लगा है बिकॉज 20 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, और अगर इसकी मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, ये पहला मेला लगा था 1987 में और इसका नाम कैसे पड़ा, हमारी 10वीं सदी में हमारे बेसिकली तोमर वंश के राजा थे राजा सूरजपाल, तो उन्होंने एक सूर्यकुंड की स्थापना करी थी, उसके बेस पे यहाँ का नाम रखा गया था। तो बेसिकली ये जो मेला है ये यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स के शिल्पकार और अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, अपनी प्रदर्शनी दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, जैसे आपने सुना होगा प्रगति मैदान वगैरह या फिर ये दिल्ली हाट वगैरह की अगर हम बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें आती हैं। नोएडा हाट में भी जो मेला टाइप के लगते हैं, तो सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक दैट, बट काफ़ी बिग है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम जाना हो रहा है यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दी सूरजकुंड मेला, देन सी यू देयर। तो दोस्तों, हम अभी पार्किंग में पहुँचे हैं और आपको मैं दिखा दूँ, पार्किंग काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, इट्स ह्यूज एंड ये मेले की एंट्री है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेट्स एक्सप्लोर दी सूरजकुंड मेला। तो दोस्तों यार, मेले के अंदर एंटर कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एंड ये जो है ये एंट्री पॉइंट है एंड ऑनेस्टली यार काफ़ी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी चेक्स वगैरह काफ़ी अच्छे लेवल के हैं इनके, काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और पीछे से मेन है उनका, पीछे की तरफ आप देखिए मेन गेट बना हुआ है, तो वहीं पे मैं एंट्री करूँगा अभी जाकर। एंड यहाँ से इनकी कैनोपी शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मेरे बैक साइड देखिए। तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर दी मेला। आप देख सकते हैं कितनी सारे क्लोथ्स की शॉप है यहाँ पे, कैनोपीज लगी हुई हैं एंड अलग अलग स्टेट से आए हैं। ये मेरे पीछे है जाकू रामा जी गुजरात के, एंड पीछे भी अलग स्टेट की शॉप लगी हुई है, एंड खादी का हिसाब किताब और विंटर सीजन के कपड़े काफ़ी हैं यहाँ पर, आप जब आएँ तो यू कैन परचेज फ्रॉम हेयर। और ये 19 तक है, तो यार अभी एक हफ्ता है, यू स्टिल हैव वन मोर वीकेंड। और क्राउड की अगर मैं बात करता हूँ, पार्किंग ईजिली मिल गई, हम 10 बजे के आसपास निकले थे घर से और 11:15 तक यहाँ पहुँच गए हैं, बिकॉज 10 बजे से इसकी एंट्री है और शाम को 7 बजे तक है, लेकिन 8 बजी जाती है ऑलमोस्ट। एंड इधर भी आप देखिए पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है, एंड लुक एट द क्राउड एट माय बैक साइड। तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द अदर पार्ट ऑफ दिस मेला। Thank you.
का स्पेशल लगा हुआ है विच इज कॉल्ड स्पाइरल, और ये आलू का बनता है मसाले वाला। एंड गाइस यहाँ भी बड़ा टेम्पटिंग हिसाब है, स्पाइरल बड़ा के बिल्कुल बगल में चांदनी चौक वाले हमारे चांदनी चौक कचौड़ी पकौड़े वाला, ये बैट पकौड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, और इधर ये लड्डू लगे हुए हैं। तो यार ये देसी घी की जलेबी है यहाँ पे, एंड एक पीस 100 रुपये का है। लुक एट द साइज, ये भाई पीछे चल रहे हैं, और बिल्कुल बगल में ही जैसे बताया था दूध रखा हुआ है इनके, गरम गरम दूध और जलेबी। यार तो दूध तो मैं पीऊँगा नहीं, तो सोचना जल्दी रबड़ी मिल जाए मिलेगी, लेकिन रबड़ी है नहीं तो जलेबी टेस्ट की जाए यार, ये वाली ये प्योर देसी घी की है। चलो लेट्स गिव अ ट्राई देन। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल इनकी स्टॉल लगी हुई है, पीछे वाला नेपाल का है एंड ये वाला भूटान का है, ये बिल्कुल मेरे पीछे अफगानिस्तान का स्टोर है, नक्काशी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, एंड ये भी अफगानिस्तान का है और ये उगांडा का है। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर एशियन कंट्रीज हैं जो यहाँ पर आई हैं, सामने बांग्लादेश का है आप देख सकते हैं उस तरफ। तो गाइस ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सारे डोमेस्टिक स्टॉल लगी हुई हैं अलग अलग स्टेट की, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, इधर आपका हरियाणा है, एंड पीछे की तरफ यूपी का था। तो लेट मी शो यू हियर, ये नाबार्ड हरियाणा का बना हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का बना हुआ है इधर, तो मतलब इन्होंने डोमेस्टिक भी प्लस इंटरनेशनल दोनों किया हुआ है इस बार रेस्टोरेंट में मुंबई के अंदर। दोस्तों ये इनका अलग सेक्शन है नेशनल जूट बोर्ड का, तो यहाँ पे इनके जितने भी जूट से रिलेटेड कपड़े हैं, चाहे वो कुशन कवर हैं, चाहे वो झूले टाइप के हैं, या फिर पॉस्टर्स हैं, चादरें हैं, क्विल्ट्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं सिर्फ दिस ऑल मेड फ्रॉम जूट। देखिए यहाँ पे भी मैट्रेस वगैरह लगे हुए हैं, मुड्ढे लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे भी रुद्राट सेंटर कोलकाता का पूरा जूट है, एवरीथिंग इज इन फ्रॉम जूट, आई मीन जूट मेड। तो दोस्तों ये कनक का अलग से ग्राउंड बना हुआ है सूरज कुंड का, झूले वगैरह जहाँ लगे हुए हैं काफ़ी सारे, इस बार झूले कम है कोविड के बाद, इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया हिसाब किताब, बट फिर भी ठीक है, बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ बना हुआ है वैसे तो। इनके फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ है, यहाँ वहाँ मोमोज का है, इधर कुल्फी वाला है, और उधर भी दो चार सिस्की वगैरह वाले बने हैं। तो गर्मी हो रही है, सोचा कुल्फी खाई जाए। ऑलराइट दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, एंड इसको मैं आज शाम तक या कल तक अपलोड मार दूंगा यूट्यूब चैनल पर, एंड अगर ब्लॉग पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वो धूप काफ़ी हो रही है यार यहाँ पे, एंड टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बज चुके हैं, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास आ गया था, तो 2:30
3.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए, बिकॉज काफ़ी बड़ा है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, तो टाइम लगेगा यार यहाँ पे घूमने में ना। जब भी आप आए तो टाइम निकाल कर आना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।